तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चला। आज जिस सॉन्ग पे हम बात करेंगे उस सॉन्ग का नाम है ओ सनम। इस सॉन्ग को गाया टोनी कक्कड़ एंड श्रेया गोयल ने। मेल एक्टर है टोनी कक्कड़, फीमेल एक्टर है हिवा नवाब। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो वीडियो को सीरियस मत लेना। ओके यार चलो। वीडियो के पहले सीन में टोनी भैया हिवा जी का वेट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि टोनी भैया हिवा जी को आज भगा कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोनी भैया दिल वाले हैं और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रुको जरा, ये आ रही है। बट एक मिनट, दुल्हनिया को जब भगा के ही ले जाना था तो दिन में क्यों, रात में ही भगा के ले जाते। अब पड़ गई ना दुनिया पीछे। ऐसी वैसी हरकतें सुस्ती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं बाबू भाई। टोनी भैया हिवा जी को भगाकर अपने खूबसूरत घर में ले आते हैं। हिवा जी खूबसूरत घर देखकर मन ही मन ये कहती हैं, इतना बड़ा कमरा है रे। और अब इस सीन में दिखाते हैं टोनी भैया और हिवा जी एक छोटे से घर में होते हैं। जब यार आप दोनों उस बड़े से घर में खुश थे तो छोटे घर में रहने की क्या जरूरत पड़ गई। अच्छा चलो वो सब छोड़ो। हिवा जी श्रेया घोषाल की आवाज में क्या कह रही है, इश्क दोबारा है। इश्क दोबारा है, हिवा जी किसी और से पहले इश्क कर चुकी है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और भैया इस सीन में टोनी जी ने हिवा जी के साथ तो कति मौज ही कर दी। इस सीन में टोनी भैया की ये बंदा गोली मार देता है। बट इस बंदे के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि जी कौन है और क्यों पीछे पड़ा और क्यों गोली मारी। मैं भूल गया रे राजू, बीच में ना बोल। चलो छोड़ो, गोली मारी तो मारी, बट ये तो देखो कैसे मारी। नहीं मतलब बंदूक इस तरीके से पकड़ा है कि अगर ये गोली चलाएगा तो टोनी भैया के मोंडे पे लगेगी, बट नहीं, वो कमर में जाके लगी। चलो छोड़ो, क्या पता कमर में मारी हो और बाद में बंदूक ऊपर कर ली हो, ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन बंदूक अभी भी ऊपरी है, मतलब हिवा जी की गोली मारेगा तो हिवा जी के मोटे पे लगेगी, बट नहीं, हिवा जी के भी कमर में लगी। सही पकड़े हैं यार, इतना टेढ़ा तो तीर भी नहीं लगता जितनी टेढ़ी तेरी बंदूक की गोली लगी है। वाह बेटा। अरे बाहुबली भैया, पहले इसको तीर चलाना सिखा दो। ना द्वे तो दोस्तों, वीडियो आती है पसंद, वीडियो करते करो लाइक। चैनल पर नए हो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट में बताओ अगली वीडियो में किस सॉन्ग पर बनाऊं।